नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस नई वीडियो में आप एक और नए घोड़े की बेसिक ट्रेनिंग जो प्रैक्टिस उसके फील्ड पे चल रही है उसकी वीडियो देखने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इस घोड़े के ओनर हैं ख्वाजा मोहम्मद गौस खां मलियाबाद लखनऊ से और इस घोड़े पे सवारी कर रहे हैं सवार गोलू। इनकी तमाम सारी अभी पीछे आपने वीडियो देखी होगी। सारे घोड़े चलावे में सिंधी थे, एक घोड़ा चौताला था। ये लास्ट घोड़ा है और इस घोड़े की आप जो चलावा है इस घोड़े का उसे आप समझ चुके होंगे कि ये घोड़ा भी चौताला है। देखने में कद में छोटा है लेकिन अच्छों के साथ खेल कभी भी ये घोड़ा खेल सकता है। अभी हाल फिलहाल ये घोड़ा प्रतापगढ़ रेस के लिए तैयार करके ले गया गया था बट बाय द वे वो रेस कैंसिल हो गई मानसून की वजह से। घोड़ा आज अगर घुड़सवार और घोड़े की बात करें तालमेल की तो 100 में 100% घोड़े और घुड़सवार में तालमेल बनी हुई है, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। इस घोड़े का चलावा आपको समझ में आ गया होगा। जो रफ्तार और जो स्पीड ये घोड़ा दिखा रहा है वो भी काबिले तारीफ है। आज ये घोड़ा खुल चुका है। आपको बता दूं कि कई जगह ये घोड़ा प्रतिभागी भी रह चुका है पर लोगों का काम है कहना और वो यहाँ तक कहते हैं। आपने कहावतें सुनी होंगी कि चलने वाले घोड़े को तो कोई चला लेगा। अब बात मैं इसी घोड़े की करूँ तो इस घोड़े पे पहले भी घुड़सवारी हो चुकी है पर कुछ सवार की जरूर कमी थी जहाँ से ये घोड़ा अपना वो कर्तव्य ये स्पीड कभी नहीं दिखा पाया। आज घोड़ा पूरी तरह से खुला है। मैं ये दावे नहीं करता कि ये घोड़ा जहाँ जाएगा वहाँ प्रथम की शील्ड लेकर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन दूसरा पहलू विचार करने वाला ये है कि अभी आप इसकी राउंड में प्रैक्टिस देख रहे हैं, अभी सीधी फील्ड में भी इसकी स्पीड आप देखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज ये घोड़ा अगर किसी भी राउंड रेस में पार्टिसिपेट करता है तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। आपको बता दूं कि पीछे की कुछ तमाम रेसों में से एक रेस का मैं नाम लेना चाहूँगा जो सरफराज खान के द्वारा फैजाबाद में आयोजित कराई जाती है। वहाँ ये घोड़ा अपना फाइनल में जगह बना चुका था। आप जानते हैं कि सरफराज खान की रेस में जो फाइनल में प्रतिभागी बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ यूपी बिहार के तमाम अच्छे घोड़े, शायद ही कोई घोड़ा बचता होगा जो वहाँ प्रतिभागी बनने के लिए न जाता हो, वहाँ ये प्रतिभागी रह चुका है। अभी सवार गोलू की तालमेल आप देख रहे हैं, घोड़े का चलावा भी देख रहे हैं। आपको हर चीज़ पसंद आ रही होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस घोड़े का चलावा और स्पीड क्या है। अभी आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि घोड़ा लंबे फील्ड पर अपना प्रदर्शन क्या दिखाता है। यही चीजें इस वीडियो में दिखाने लायक थी, आपको बताने लायक थी। और गौस खान के सभी घोड़े आप देख चुके हैं। आपका सबसे फेवरेट घोड़ा उन चारों में से कौन है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने पीछे के टाइम में भी इस घोड़े की वीडियोग्राफी की है और आप उस वीडियो से और इस वीडियो का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। घोड़े में आपको स्पीड और रफ्तार जरूर बढ़ी मिलेगी। आगे आपको बात बता दूं कि 19 फरवरी को एक रेस आयोजित कराई जा रही है ख्वाजा मोहम्मद गौस खान के द्वारा जो मलियाबाद में ही होगी। आपको सारे लोगों को वहां पे आना है और उस रेस में प्रतिभागी बने, उस रेस को देखने के लिए पहुंचे। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि इस रेस में आने का मार्ग बताएं, तो ये रेस मोहम्मद नगर रहमत नगर मलियाबाद लखनऊ में है। लखनऊ से आप दुबग्गे के रास्ते पकड़ के मलियाबाद में पहुंच सकते हैं और वहां पे इनका नाम ही काफ़ी है, आप नाम से वहां पहुंच सकते हैं बिल्कुल। मैं डिस्क्रिप्शन में अभी नंबर भी डाल दूंगा उनका और आप बात करके कोई अगर रास्ते की प्रॉब्लम हो तो पहुँच सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी सूचनाएँ थी जो आपको मुझे देनी थी। 10 फरवरी को मुजफ्फरपुर में भी तैयारियाँ चल रही हैं रेस की, वहाँ भी आप प्रतिभागी बने। अब इस घोड़े का चलावा आप क्या कह सकते हैं जो लंबी पटरी पे सवार गोलू ने तालमेल बनाकर इस घोड़े के साथ बिठाया है। आप मुझे बताएं कि गोलू सवार की इस घोड़े से तालमेल कितनी अच्छी लगती है, कौन से घोड़े पे सबसे ज़्यादा इनकी तालमेल फिट बैठती है, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। इस घोड़े की चाल तो वाकई में बहुत सुंदर है और जो अभी आप देख रहे हैं चौताले में स्पीड कोड़ा लगाएं या हंटर लगाएं कोई असर नहीं पड़ने वाला है, घोड़ा अपनी चाल नहीं बिगाड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।